Good afternoon, students. Myself Shikha Singh. Today we will discuss targeted drug delivery system. Firstly, in previous class we saw the introduction of targeted drug delivery system, but we saw today's class targeting strategies. Okay, so there are various approaches or strategies for drug targeting, like passive targeting, active targeting, inverse targeting, dual targeting and double targeting. Passive targeting, drug delivery system which are targeted to systemic circulation are characterized as passive drug delivery system. In this technique, drug targeting occurs because of the body's natural response to physicochemical characteristic of the drug और आ ड्रग कैरियर सिस्टम. पैसिव टारगेटिंग में क्या होगा, ये वाली जो टारगेटिंग होगी, मतलब पैसिव जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी हमारे बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं उनकी वजह से होगी. तो ड्रग सिस्टम विच आर टारगेटेड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन आर कैरेक्टराइज्ड एज पैसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इन दिस टेक्निक ड्रग टारगेटिंग अकर्स बिकॉज ऑफ द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू फिजिकोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग और आ ड्रग कैरियर सिस्टम. नेक्स्ट हमारा आता है इनवर्स टारगेटिंग. इन दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग अटेम्प्ट्स आर मेड टू अवॉइड पैसिव अपटेक ऑफ अ कोलाइडल कैरियर बाय आरईएस रेटिकुलो, आरईएस मींस रेटिकुलो एपिथेलियल सिस्टम, एंड हेंस द प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज अ इनवर्स टारगेटिंग. दिस टारगेटिंग अचीव बाय आरईएस नॉर्मल फंक्शन इज सप्रेस्ड बाय प्री इंजेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैंक कोलाइडल कैरियर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक dextrin sulfate. This approach leads to saturation of RES and suppression of defense mechanism. This type of targeting is an effective approach to target drug to non-RES organs. Inverse, अब हम इसमें देखते हैं inverse targeting जो है, इस targeting में basically हमको क्या करना है, जो भी हमारा colloidal carrier है उसके पैसिव अपटेक को आरईएस के थ्रू रोकना है, अवॉइड करना है. तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स टारगेटिंग. इन दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग अटेम्प्ट्स आर मेड टू अवॉइड पैसिव अपटेक ऑफ कोलाइडल कैरियर बाय आरईएस रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, एंड हेंस द प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज इनवर्स टारगेटिंग. टू अचीव इनवर्स टारगेटिंग आरईएस नॉर्मल फंक्शन इज सप्रेस्ड बाय injecting large amount of blank colloidal carriers or a macromolecules like dextrin sulfate. इस targeting में को हम कैसे achieve करेंगे, तो RES normal function को हम suppress कर देंगे. कैसे, pre-inject करेंगे large amount of blank colloidal carriers या फिर macromolecules जैसे कि dextrin sulfate है ये. तो इस approach में क्या होगा, RES जो होगा ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें colloidal carrier या macromolecules यूज कर रहे हैं, pre-inject कर रहे हैं, तो RES का क्या होगा, saturation हो जाएगा. तो जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे. तो दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग इज इफेक्टिव अप्रोच टू टारगेट ड्रग टू नॉन आरईएस ऑर्गन. देन पहले हमने देखा पैसिव टारगेटिंग, देन हमने देखा इनवर्स टारगेटिंग. अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव टारगेटिंग. एक्टिव टारगेटिंग इज दिस अप्रोच कैरियर सिस्टम वियरिंग ड्रग रीचेस टू स्पेसिफिक साइट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन मेड ऑन इट सरफेस रादर देन नेचुरल अपटेक ऑफ बाय आरईएस. सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक्स इंक्लूड कोटिंग ऑफ सरफेस विद आइदर अ बायोएडहेसिव नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट और अ स्पेसिफिक सेल और टिश्यूज एंटीबॉडीज लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और बाय एल्ब्यूमिन प्रोटीन. एक्टिव टारगेटिंग इज थ्री टाइप्स. फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग, ऑर्गन टारगेटिंग हो सकता है इसको. सेकेंड ऑर्डर टारगेटिंग सेलुलर टारगेटिंग, एंड थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग इज इंट्रा सेलुलर टारगेटिंग. देन लिगेंड मीडिएटेड टारगेटिंग. दिस टारगेटिंग इज अचीव्ड यूजिंग स्पेसिफिक मैकेनिज्म सच एज रिसेप्टर डिपेंडेंट अपटेक ऑफ नेचुरल एलडीएल पार्टिकल्स एंड सिंथेटिक लिपिड माइक्रोएमल्सन्स और पार्शियली रिकॉन्स्टिट्यूटेड एलडीएल पार्टिकल्स कोटेड विद एपोप्रोटीन्स. नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल टारगेटिंग. इन दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरमेंट चेंजेस लाइक pH, temperature, light intensity, electric field, ionic strength, small and even specific stimuli like glucose concentration are used to localize the drug carrier to predetermined site.
This approach was found exceptional for tumor targeting as well as cytosolic delivery of entrapped drug or a genetic material. This targeting is known as physical targeting. Then dual targeting. In this type of targeting approach, carrier molecule itself have their own therapeutic activity and thus increase the therapeutic effects of the drug. For example, a carrier molecule having its own antiviral activity can be loaded with an antiviral drug and the net synergistic effect of drug conjugate was observed. Dual targeting is जैसे कि जो भी हम targeting के लिए carrier molecules use कर रहे हैं तो उसकी खुद की भी कुछ therapeutic activity होंगी और जैसे कि हम ड्रग भी ले रहे हैं उसके तो थेरापेटिक इफेक्ट है ही. तो जैसे हम एग्जांपल के लिए इसमें देखें कि अगर हम कोई एंटीवायरल एक्टिविटी कैरियर मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उसकी एंटीवायरल एक्टिविटी है और उसको कैरियर को हम लोडेड कर रहे हैं किससे, एंटीवायरल ड्रग से, तो नेट कैसा हमको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेगा जो भी हमारा ड्रग कॉन्जिक्यूट होगा. तो ये डबल इफेक्ट हो गया ना, डुअल इफेक्ट हो गया. एक तो कैरियर का इफेक्ट हो गया और दूसरा हमारा जो ड्रग है उसका. तो इसको हम बोलेंगे डुअल टारगेटिंग. नेक्स्ट हमारा आता है डबल टारगेटिंग. Temporal and spatial methodologies are combined to target a carrier system. Then targeting may be called double targeting. Spatial placement relates to targeting drugs to a specific organ, tissue, cells, or even subcellular compartment, whereas temporal delivery refers to controlling the rate of drug delivery to the target site. Double में क्या हो रहा है? Temporal और spatial methodologies दोनों combine होकर के हमारे target करेंगे carrier system को. तो इस targeting को हम क्या बोलेंगे? Double targeting. स्पेशियल placement किसको बोल सकते हैं? कोई भी स्पेसिफिक organ, टिश्यू, सेल्स या सब सेलुलर कंपार्टमेंट हो सकते हैं. और temporal delivery किसको बोलेंगे, refer किसको करेगी? Controlling the rate of drug delivery to target site. So these are the strategies for the drug targeting. First हमने देखा passive targeting, then active targeting, then inverse targeting, then double targeting and dual targeting. Thank you.